अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अबाउट द डिके कर्व। और डिके कर्व हमारा कहाँ से आता है? वो आता है हाफ लाइफ टाइम से। कि हम जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं और उनमें हम क्या कह रहे हैं कि वो हाफ लाइफ उनकी जो है वो किस तरह हम एक्सप्लेन कर पाते हैं कि अगर उन्हें कोई टाइम पीरियड दिया जाता है और वो अपने टाइम पीरियड के बाद डिके कर जाते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो पूरा का पूरा जो एलिमेंट है या पूरा मटेरियल हमारा डिके कर जाए, बल्कि कितना करता है उसमें से जितना हमने दिया होता है इनिशियली उसमें से जस्ट हाफ डिके करता है और हाफ का हाफ पड़ा होता है। देन उतने ही टाइम अगेन उस हाफ को भी डिके होने के लिए लगेगा और फिर भी वो मटेरियल पूरा का पूरा डिके नहीं होगा, बल्कि उसमें से उसका कुछ पोर्शन अगेन यानी हाफ पोर्शन जो है वो डिके हो जाएगा। सो इस तरह हमारे पास हर एक एलिमेंट का जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उनकी हाफ लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा होती है। इवन उनका आधा मटेरियल ही डिके करने में सालों गुजर जाते हैं, कोई 9 ईयर्स, कोई मिलियन ऑफ ईयर्स जो है वो ले रहा होता है। तो इस तरह से हम काफ़ी एलिमेंट्स का नहीं बता सकते एग्जैक्टली कि वो अगर हम बेशक थोड़ी क्वांटिटी में ही ले रहे हैं तो वो पूरी की पूरी डिके होने में कितना टाइम लेगी। सो इसलिए हमने कुछ टर्म्स को स्पेसिफाई कर दिया कि इस तरह से हाफ लाइफ टाइम को कैलकुलेट किया जा सकता है, उनके डिके कॉन्स्टेंट को मेजर किया जा सकता है। उसी से हमारे पास आ जाता है फर्दर डिके कर्व। अब डिके कर्व हमें क्या बताएगा कि हमारी हाफ लाइफ टाइम गुजरती जा रही है। एक एलिमेंट जो हम लोगों ने लेट सपोज पहले लिया 1000 किलोग्राम का, तो इसकी हाफ लाइफ हमने कहा 5 डेज थी। 5 डेज के बाद ये जस्ट हाफ डिके होगा, कम्प्लीटली कभी भी डिके नहीं होगा। नेक्स्ट 5 डेज के बाद ये अगेन इससे भी हाफ डिके होगा, कम्प्लीटली डिके नहीं होगा। उसके बाद फिर अगेन ये इतना ही टाइम लेगा और इसका भी हाफ डिके होगा। सो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं वो कभी भी पूरे के पूरे एक ही टाइम में डिके नहीं हो जाते, बल्कि वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं डिके होने में। इससे हम लोगों के पास एक टर्म आई थी, वो थी डिके कॉन्स्टेंट। और डिके कॉन्स्टेंट किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? माइनस फ्रैक्शन ऑफ डिके एलिमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। सो ये हमें बता रहा था कि जो हमारे पास कोई भी एलिमेंट है जिसमें डिके इतना हो चुका हुआ है, इतने एलिमेंट डिके कर चुके हैं जबकि टोटल इतने नंबर थे, तो हमारे पास ये पूरी फ्रैक्शन आ गई डिकेइंग एलिमेंट की। सो इस फ्रैक्शन को जब हम टाइम पे डिवाइड करते हैं हमारे पास एक डिके कॉन्स्टेंट आ जाता है। और ये डिके कॉन्स्टेंट जो है वो क्या एक्सप्लेन करता है कि आपको कितना टाइम लगेगा इस क्वांटिटी को डिके करने के लिए। अगर तो ये डिके कांस्टेंट कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर ये डिके कांस्टेंट कम है तो सॉरी ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि इन दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। लेकिन चूंकि इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है तो इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अगर किसी चीज़ का डिके कांस्टेंट ज़्यादा है तो उसमें डिके होने वाले एलिमेंट जो हैं वो ज़्यादा जल्दी डिके हो रहे हैं। ज़्यादा डिके का यहाँ पे कॉन्सेप्ट पाया जा रहा है, जबकि अगर कम है तो कम एलिमेंट जो हैं वो डिके हुए हैं। सो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है डिके कॉन्स्टेंट से। नेक्स्ट आ जाता है डिके कर्व। और डिके कर्व बेसिकली किसके दरमियान होता है? टाइम के दरमियान। एंड हमारे पास ये होता है कि नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, कि अब कितने न्यूक्लियाई जो हैं वो बच चुके हैं। लेट सपोज हमारे पास इनिशियली क्या था, एन हमारे पास न्यूक्लियाई मौजूद थे रेडियो एक्टिव एलिमेंट के, और यहाँ हमारे पास थी 0 टाइम। देन क्या हुआ, हाफ लाइफ टाइम के बाद यानी टी हाफ के बाद, फर्स्ट हाफ टाइम के बाद ये हाफ में डिके हो गए। इट मीन्स पहले एन था तो यहाँ पे अब आ जाएगा हाफ एन, क्योंकि आधे डिके हो चुके हैं। और वो कितने में हुए? फर्स्ट हाफ लाइफ टाइम। सेकेंड हाफ लाइफ टाइम आई, इट मीन्स 2T हाफ हुए, तो इसका भी हाफ जो है वो डिके हो गया। इट मीन्स के 1/2 n एज इट इज़ रहा और इसका भी हाफ डिके हो गया। सो 1/2 × 1/2 ये बन जाएगा 1/4 n। सो सेकेंड हाफ लाइफ टाइम में इसका भी हाफ हो गया तो 1/4 रह गया। देन अगर हम थर्ड हाफ लाइफ टाइम की बात करें तो थर्ड हाफ लाइफ टाइम में हमारे पास कितना बन जाता है यहाँ पे,
कि 1/2 एज इट इज, और इसका भी 1/4 का अब चूंकि हाफ हुए तो यहाँ पे आ जाएगा 1/8 एन. सो अगर इसी तरह हमारी हाफ लाइफ टाइम चलती जा रही है तो ये डिके कॉन्स्टेंट बढ़ता जाएगा और हमारे पास यहाँ पे 1/16 आ जाएगा. सो इसी कर्व को अगर हम देख लें तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो भी हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 1/8 लिख देते हैं ताकि क्लियर हो जाए, 1/16 एन. तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें गैप काफ़ी नज़र आ रहा है कि फर्स्ट हाफ लाइफ टाइम में हाफ जो हमारे न्यूक्लियर थे वो डिके करके, देन क्या हुआ जब नेक्स्ट हाफ लाइफ टाइम आई तो इसका भी जब हाफ डिके किया अब इनमें गैप कम रह गया, नेक्स्ट आई फिर गैप कम रह गया क्योंकि 1/4, 1/8, फिर इस तरह करते करते हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ जो हैं न्यूक्लियाई मौजूद होंगे. इससे क्या पता चलता है कि चाहे हम कितनी भी लाइफ टाइम को अभी यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, कोई भी एलिमेंट एक ही दफ़ा में पूरा का पूरा डिके नहीं हो जाता, बल्कि ये बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन लेता है और थोड़ा थोड़ा हमारे पास फिर भी न्यूक्लियाई बचते ही जाते हैं जिनको डिके होने में और भी ज़्यादा टाइम लगता है. सो इसके हवाले से अगर हम देखें कि हमारे टोटल न्यूक्लियाई जो डिके हो रहे हैं उनकी रेशियो क्या बन रही है, तो सबसे पहले हमारे पास ये एन न्यूक्लियाई मौजूद थे फर्स्ट हाफ लाइफ टाइम के बाद, ये जस्ट हाफ रह गए. सेकेंड अगर हम हाफ लाइफ टाइम की बात करें तो हमारे पास इसका भी हाफ रह गया, इट मीन्स 1/2 × 1/2 एन, ये क्या बन गया 1/2 की पावर 2 एन. सो सेकेंड हाफ लाइफ टाइम में अगर हमें न्यूक्लियाई के नंबर कैलकुलेट करने हैं तो वो हम किस तरह कर सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर और जितने टोटल न्यूक्लियाई मौजूद थे वो हम लिख देंगे. देन अगर हम थर्ड हाफ लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 1/2 एज इट इज, और अब इस 1/4 का हमें हाफ करना होगा, तो ये बन जाएगा 1/8 बनेगा जिसको हम 1/2 का क्यूब लिख सकते हैं और ये इस तरह से आ जाएगा. इसका आपको क्या बेनिफिट है कि आपको MCQs में पूछा जाता है कि सेकेंड हाफ लाइफ टाइम के बाद इनिशियली इस एलिमेंट के इतने न्यूक्लियाई मौजूद थे, हाफ लाइफ टाइम सेकेंड हाफ लाइफ टाइम स्पेंड होने के बाद अब ये कितने न्यूक्लियाई मौजूद रहेंगे. सो सेकेंड हाफ लाइफ टाइम के बाद आपने देखना है कि सबसे पहले 2 हाफ लाइफ टाइम्स गुजर चुकी हैं, इट मीन्स 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे एन 1/2 का स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे विद 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये 1000/4 आपके पास यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी जो आप एलिमेंट बच चुके हैं टोटल नंबर में से, और वो हमारे पास 2 हाफ लाइफ टाइम के बाद रिमेनिंग होंगे. सो यहाँ से हमारे MCQs आते हैं कि डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि थर्ड हाफ लाइफ टाइम के बाद कितना जो न्यूक्लियाई है वो अब रिमेनिंग बच चुके हैं. सो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो अगर हम n हाफ लाइफ टाइम्स के बाद देखें तो n हाफ लाइफ टाइम के बाद हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 2 के लिए 2 आ रहा था, 3 के लिए 3 आ रहा था, तो यहाँ अगर हम n की बात कर रहे हैं इट मींस 1/2 के पार n आ जाएगा और 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा n. सो ये n कोई भी नंबर हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000 कोई भी वैल्यू हो सकती है. सो एक जनरल जो हमारे पास चीज़ आ गई वो ये है कि n अगर हम हाफ लाइफ टाइम को डिस्कस कर रहे हैं तो रिमेनिंग जो न्यूक्लियाई है उसको 1/2 की पावर n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वो रिमेनिंग पोर्शन रह जाएगा जिसे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. देन हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है कि अगर आपने डिके कांस्टेंट के हवाले से बताना है कि हाफ लाइफ टाइम कितना है या इसका हाफ लाइफ टाइम कितना होगा. अभी तो हम ये बात कर रहे थे कि हमें एलिमेंट का हाफ लाइफ टाइम नोन है, जिस तरह मैंने बात की कि यूरेनियम अगर हम ले रहे हैं और उसका 1000 किलोग्राम ले रहे हैं और हम कहते हैं ये 5 डेज जो है इसका हाफ लाइफ टाइम है, तो अगर यहाँ पे 5 डेज जो है वो मुझे एग्जैक्टली नोन था कि फर्स्ट हाफ लाइफ टाइम 5 डेज की है, तो सेकेंड जो है वो 2 × 5 यानी 10 डेज के बाद इतना एलिमेंट मेरे पास बचेगा. लेकिन अगर मुझे ये भी कैलकुलेट करना है कि कितने दिनों के बाद ये डिके होगा तो उसको मैं कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ. सो टाइम को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है,
जिससे कैलकुलेट किया जा सकता है और वो है डिके कॉन्स्टेंट हाफ इक्वल्स टू 0.693। सो अगर आपको हाफ लाइफ फाइंड आउट करनी है किसी भी एलिमेंट की, आप क्या करोगे, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है 0.693 और आपको अगर डिके कॉन्स्टेंट उस एलिमेंट का नॉन है तो उससे डिवाइड करके आप हाफ लाइफ टाइम बता सकते हो कि जो एलिमेंट हम यूज़ करने जा रहे हैं उसका हाफ लाइफ टाइम 1 ईयर है, 2 ईयर्स है, 5 डेज है, 24 आवर्स हैं। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला है जिससे आप टाइम को कैलकुलेट कर सकते हो। सो हमारे पास इस टॉपिक में दो इम्पॉर्टेंट MCQs बन रहे हैं। एक ये कि हाफ लाइफ टाइम को कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है। सो अगर आपको किसी भी वैल्यू का डिके कॉन्स्टेंट दे दिया जाता है, जस्ट उसको 0.693 से डिवाइड करेंगे तो उस एलिमेंट का आपके पास हाफ लाइफ टाइम आ जाएगा। सेकंड हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट था वो हमारा पिछले आर्टिकल से था कि अगर किसी एलिमेंट की 2 हाफ लाइफ टाइम स्पेंड हो चुकी हैं तो आप कितने न्यूक्लियाई पीछे बचेंगे। सो आप ये इस फॉर्मूला से, या अगर हम इसको जनरल में लिखें तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। सो ये थे हमारे 2 इम्पॉर्टेंट MCQs और ये था हमारा टॉपिक।